हुई, राइवेक हाईवेक सबकी सुंदरता हुई। ये मंदिर तेरी कोई सुंदरता नहीं, जबकि सबसे बड़ो धर्म आई अगले दिन रविवार का जो दर्शन करे, जिनकी मन्नत पूरी हो भाई, अखंड ज्योत भागवत जो कुछ करा करा ही देते। वैसे मंदिर भी सर ना देखे, कहीं भी चले जाओ, पांच मंदिर मेरे जवाबी मंदिर बने भगवान के रे जी। अब बहुत पुराने मंदिर हैं हमारे, कई पीढ़ी हम बात कर रहे हैं इत्र नगरी कन्नौज की। यहाँ पर इत्र नगरी कन्नौज में भगवान राम की चरण पादुका यहाँ पर विराजमान है और प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर हमारे पास कुछ श्रद्धालु और यहाँ पर स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आइए बात करते हैं इन लोगों से कि किस तरीके का ये मंदिर है और कब से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ में सताराम राजपूत जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। हजारों वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। महाराज जी आप बताइए क्या मानता है इस मंदिर की? और यहाँ रहते राम गंगा बही, यहाँ दादाजी यहाँ नहाए, यहाँ परिक्रमा बने थे। यही राम घाट है, यही राम घाट बोला जाता है। हमारा सदियों का चरण महाराज जी के बने हैं ये उस मंदिर में। उसकी मान्यता ये रविवार वाले दिन काफी भीड़ होती है। जिस स्थान पे हम खड़े हैं इसको राम घाट बोला जाता है और हम बात कर रहे हैं और लोगों से कि जो तो राम गंगा क्या है यहाँ पर है मौजूद? इस समय तो नहीं है, एक किलोमीटर दूर है, किलोमीटर दूरी चली गई। पहले यहीं पर थी, पहले यही रामघाट है, यही रामघाट है, पहले यहीं थी, मतलब एक किलोमीटर दूर चली गई। बताइए ये जो आप राम गंगा की बात कर रहे हैं? हाँ सर, राम गंगा यही राम घाट था, ये बहुत पुराना घाट है, यहाँ कुंभ भी फूट चुका है। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम का यहाँ पर चरण पादुका रखी हुई है और यहाँ राम गंगा घाट के नाम से इस स्थल को जाना जाता है। कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव, ईटीवी।